हे गाइस वेलकम बैक, मैं हूं आर्यन और इस वीडियो में बात करूंगा मी मिक्स 3 की, जो कि थर्सडे को चाइना में लॉन्च हो चुका है बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ में। इस फ़ोन में आपको मिलते हैं 4 कैमरास, 2 कैमरास रियर में और 2 कैमरास फ्रंट में, साथ ही आपको मिलती है बेजल लेस डिस्प्ले वो भी एमोलेड स्क्रीन के साथ में। और गाइस सबसे खास बात है कि इसमें आपको मिलेगी देखने को 10 GB की रैम स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर के साथ में, साथ ही इसमें आपको मिलेगा वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट। तो गाइस मी मिक्स 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग फीचर्स के साथ लॉन्च हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा इसके सभी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइस डिवाइस यहाँ पर लॉन्च हो चुका है मैग्नेटिक स्लाइडिंग फ्रंट कैमरा के साथ, यानी कि यहाँ पर पॉपअप कैमरा दिया गया है जो कि स्लाइड करके ऊपर को आता है। जब भी आप कैमरा को ऑन करेंगे यहाँ पर आपको कोई भी नॉच डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रही है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 2 बेजललेस डिस्प्ले, यानी कि वीडियोज़ देखने का और गेमिंग खेलने का एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर होने वाला है। और गाइस कंपनी ने यहाँ पर सभी सेंसर्स को इंक्लूड किया है वो भी डिस्प्ले के पीछे, और इसीलिए इन्होंने यहाँ पर मैग्नेटिक स्लाइडर मैकेनिज्म को यूज़ किया है। तो गाइस फ़ोन लाइटवेट और थिन होने के साथ साथ यहाँ पर बड़े अच्छे डिस्प्ले के साथ में आता है। सबसे पहले बात करूँगा स्क्रीन साइज़ की, तो इसमें आपको 6.39 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप जानते हैं एमोलेड स्क्रीन बहुत ही ब्राइट और नेचुरल कलर शो करती है। बात करें स्क्रीन रेजोल्यूशन की तो 1080x2340 पिक्सल्स देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्ट रेशियो यहाँ पर मिलता है 19.5:9, बिल्कुल ही बेजललेस डिस्प्ले है। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 403 PPI देखने को मिलता है। और गाइस कंपनी का कहना है यहाँ पर 93.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा, यानी वाइडर व्यू देखने को मिलेगा स्क्रीन में। स्क्रीन के मामले में तो ये फ़ोन मुझे बहुत ही बेटर लग रहा है। गाइस बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यह फ़ोन आपको एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पे रन करता हुआ मिल जाएगा। अब बात कर ले परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर आपको चिपसेट मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 का, जो कि बहुत ही पावरफुल और एफिशिएंट प्रोसेसर है, जो कि OnePlus 6 में भी आपको देखने को मिल गया था। प्रोसेसर की बात करें तो ऑक्टाकोर 2.8 GHz का प्रोसेसर मिलता है विद क्रायो 385। और गाइस गेमिंग के लिए भी फ़ोन बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर एडवीनो 630 GPU को इंक्लूड किया गया है, यानी आप पबजी को भी हाई रेजोल्यूशन में बहुत ही अच्छे और स्मूथ तरीके से खेल पाएंगे। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में फ़ोन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बात करें यहाँ पर रैम की तो यहाँ पर आपको 6 GB रैम और 8 GB रैम और 10 GB रैम, यानी 3 वेरियंट्स वाले फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। इंटरनल मेमोरी आपको मिलती है 128 GB और 256 GB, यानी आपको 6 GB 128 GB वाला वेरिएंट, 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट और 10 GB और 256 GB वाला वेरिएंट, 3 वेरिएंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इस फ़ोन में आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। बात करें अगर कैमरास की तो रियर में आपको मिलता है डुअल कैमरा का सेटअप। बात करें पहले कैमरा की तो 12 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सोनी IMX 363 का लेंस देखने को मिलता है विद एन अपर्चर f1.8। और गाइस दूसरा जो कैमरा है वो भी 12 MP का है, जो टेलीफोटो टाइप लेंस के साथ आता है, उसका अपर्चर है f2.4। ये दोनों ही कैमरा ऑटो फोकस फेस डिटेक्शन के साथ आते हैं, और साथ ही इसमें आपको मिल जाती है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। इसके साथ ही आपको डुअल कलर LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस बात करें यहाँ पर शूटिंग मोड्स की तो HDR मोड, कंटिन्यू शूटिंग मोड, बर्स्ट मोड, ये सब देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर AI सीन डिटेक्शन, डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, टच टू फोकस, ये सारे कैमरा फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में भी बहुत ही अच्छा कैमरा है। यहाँ पर आपको 384x2160 एट 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर आप 1920x1080 एट 60 FPS वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप 1280x720 एट 120 FPS वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर एक और चीज़ ऐड की गई है, ये पहला ऐसा फ़ोन है जिसमें आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी एट 960 FPS। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये सॉफ्टवेयर बेस्ड वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है या फिर हार्डवेयर बेस्ड। गाइस अगर बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पर भी आपको 2 कैमरास देखने को मिल जाते हैं। पहला कैमरा है 24 MP का, दूसरा है 2 MP का, यानी कि आपको टोटल 4 कैमरास मिलते हैं इस फ़ोन में। और यहाँ पर भी आपको AI फीचर्स इंक्लूडिंग ब्यूटिफिकेशन एंड बुके इफेक्ट्स देखने को मिल जाता है। और अगर आप लो लाइट में पिक्चर क्लिक करते हैं तो सेल्फी के लिए यहाँ पर फ्रंट फ्लैश भी देखने को मिलती है। कैमरा के बाद अगर बात करें यहाँ पर बैटरी की तो बैटरी इसमें आपको मिलती है 3200 mAh की, लेकिन क्योंकि इसमें 845 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है तो यह फ़ोन बैटरी के मामले में काफ़ी एफिशिएंट होने वाला है। और साथ ही इसमें आपको मिल जाती है वायरलेस फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन। अगर जब आप इस फ़ोन को खरीदेंगे तो कंपनी आपको 10 W का वायरलेस चार्जर्स इस फ़ोन के पैक में साथ में देगी, तो इस फ़ोन में बैटरी को लेकर भी कोई इशू नहीं होने वाला।
और बात करें इसके स्पेशल फीचर्स की, बेजललेस डिस्प्ले और उसमें भी वायरलेस चार्जिंग है तो इस फ़ोन को काफ़ी बेटर बनाता ही है। साथ में इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी रियर में देखने को मिल जाता है। बाकी सारे सेंसर लाइक लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप, ये सब भी आपको फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। USB टाइप सी आपको देखने को मिल जाती है। NFC सपोर्ट की बात करें तो वो भी आपको Mi Mix 3 में मिल जाता है। अब बात कर ले अगर प्राइस की, तो यहाँ पर अगर हम चाइनीज करेंसी को इंडियन करेंसी में चेंज करें तो जो पहला मॉडल है 6GB 128GB वाला, वो मिलेगा 34,800 के आसपास। बात करें 8GB रैम और 128GB वेरिएंट की, तो वो लगभग मिल जाएगा यहाँ पे 37,900 का। और अगर बात करें 8GB और 256GB की, तो वो 42,100 के आसपास मिल सकता है। और गाइस इस फ़ोन का एक स्पेशल एडिशन भी लॉन्च होगा, जिसमें स्पेशल डिज़ाइन के साथ एक्सेसरीज भी मिलेंगी और उसमें होगी 10GB की रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज, और उसका प्राइस लगभग 52,000 के आसपास हो सकता है। फिलहाल ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं और इसका क्या प्राइस होगा, इस बारे में अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट आनी बाकी है। स्पेसिफिकेशन तो इस फ़ोन की कमाल की है ही, और इस प्राइस में इंडिया में लॉन्च हो जाता तो बहुत ही अमेजिंग बात होने वाली, और ये फ़ोन काफ़ी सारे फ़ोन्स को यहाँ पर ज़रूर किल करने वाला है। तो गाइज़ ये थे Mi Mix 3 के अर्ली स्पेसिफिकेशंस, हो सकता है इसमें आगे चल के कुछ और चेंजेस भी देखने को मिल जाए। तो गाइज़ ये फ़ोन आपको कैसा लगा और इस फ़ोन को लेकर आपकी क्या राय है या आपके कुछ और भी फीडबैक है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखेगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।